Hello everyone, hope you all are fine. In last video we learned about Pahadi school. In this video we are going to learn about sub school of Pahadi school. Okay, so let's we start. Pahadi school ke under kai sub school aate hain, like Basohli school of art, Guler school of art, Kangra school of art, Kullu Mandi school of art, Jammu Kashmir school of art, Gadwal school of art, पंजाब स्कूल ऑफ आर्ट, चंबा स्कूल ऑफ आर्ट. इस वीडियो में हम सब स्कूल के टू पार्ट, बसोहली स्कूल ऑफ आर्ट और गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो नंबर फर्स्ट इज बसोहली स्कूल ऑफ आर्ट. पहाड़ी क्षेत्र में पेंटिंग का जो पहला सेंटर था वो बसोहली था, जहाँ पर राजा कृपाल का संरक्षण में देवीदास नामक एक आर्टिस्ट ने 1694 में रसमंजरी चित्र के रूप में मिनेचर्स यानी जो स्मॉल पेंटिंग्स होती हैं उनको बनाया था. दो रसमंजरी सीरीज़ के जो इलस्ट्रेशन हैं वो कई इंडियन और फॉरेन म्यूज़ियम में फैले हुए हैं. बसोहली स्टाइल में बोल्ड लाइन एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग कलर का यूज़ किया हुआ है. इसमें कई जगह पर प्राइमरी कलर्स का यूज़ किया गया है, प्राइमरी कलर्स लाइक रेड, ब्लू एंड येलो. बसोहली स्टाइल विभिन्न पड़ोसी स्टेट में फैल गया और ये 18th सेंचुरी के मिडल तक रहा था. बसोहली पेंटिंग का एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है मुग्धा नायका, अ टाइप ऑफ हीरोइन, जो कि एक नेशनल म्यूजियम में है. ये रसमंजरी सीरीज़ के 43rd फोलियो को रिप्रेजेंट करता है. इसमें जो ड्राइंग्स है वो बोल्ड और फोर्सफुल है और जो इस पेंटिंग में जो कलर यूज़ किए गए हैं वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्ट्रास्टिंग है. इस पेंटिंग में जो मिनेचर्स बनाए गए हैं इसमें येल्लो मोनोक्रोम बैकग्राउंड का यूज़ किया हुआ है, जो कि इमोशनल इंटेंसिटी यानी जो भावात्मक तीव्रता है उसको एनहेंस करती है, बढ़ाती है. इस टाइम में जो मिनेचर्स में दिखाई देने वाली एक अजीब विशेषता है, इसमें जो ज्वेलरी में हरे रंग की बीटल विंग्स का यूज़ किया गया है. इसमें स्काई को टॉप पर ब्लू और वाइट में नैरो बैंड के रूप में दिखाया है. इस मिनेचर पेंटिंग को ब्रिलियंट रेड कलर के बॉर्डर के साथ फ्रेम किया गया है. 1730 AD में आर्टिस्ट मनकू द्वारा पेंटेड गीत गोविंद ने बसोहली स्टाइल का विकास किया था. इस टाइम के मिनेचर जो कि नेशनल म्यूजियम की कलेक्शन है उसमें एक रिवर के किनारे पर गोपियों की संगति में कृष्ण को दिखाया गया है. इस टाइम के फेशियल टाइप में काफ़ी चेंजेस आए थे. इस टाइम के फेस हैवियर हो गए, मींस भारी हो गए थे. उनके फेस के साथ साथ ट्री में भी कई चेंजेस आए थे जो कि मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस से प्रभावित थे. इसमें स्ट्रॉन्ग कलर्स, कंट्रास्ट कलर्स, मोनोक्राम बैकग्राउंड, ल्यूर आइज मींस लालची आइज, बोल्ड ड्राइंग, नैरो स्काई और रेड बॉर्डर को दिखाया है. नेक्स्ट है गुलेर. बसोहली स्टाइल के लास्ट फेस में ये जम्मू ग्रुप ऑफ पेंटिंग के द्वारा फॉलो किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से नैनसुक के द्वारा बनाए गए जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के पोर्ट्रेट थे. नैनसुक गुलेर के थे लेकिन जसरोटा में सेटल हुए थे, मीन्स वहां जाकर बस गए थे, लेकिन उन्होंने जसरोटा और गुलेर दोनों जगह पर काम किया था. इन्होंने सॉफ्ट और कूल कलर का यूज़ किया था. इस स्टाइल को देखकर ऐसा लगता था कि ये मोहम्मद शाह के टाइम की मुगल पेंटिंग की नेचुरलिस्टिक स्टाइल से प्रभावित है. गुलेर पहाड़ी क्षेत्र की एक और स्टेट है. इसमें गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के कई पोर्ट्रेट 1750 AD में बनाए गए थे. पहाड़ी क्षेत्र में बनाए गए जो फाइनेस्ट मिनेचर हैं वो फेमस सीरीज लाइक भगवत, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, बारामासा, रागमासा को रिप्रेजेंट करती है, जो कि 1760 to 1770 AD में पेंट की गई थी. गुलेर स्टाइल में पेंटेड भगवत की फेमस सीरीज की एक इलस्ट्रेशन नेशनल म्यूजियम में है. इस मिनेचर में कृष्ण को यमुना के किनारे पर राक्षस वत्ससुर का वध करते हुए दिखाया गया है. भगवत सीरीज को 1760 to 1765 AD में असाइन किया गया था. यह है आपके सब स्कूल के टू पार्ट, फर्स्ट इज बसोहली स्कूल ऑफ आर्ट एंड सेकेंड इज गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिन्यू करेंगे. गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट वीडियो.